कमल, देखो और पत्नियां अपने पति को कुछ बताए या ना बताए, पर तुम्हें मुझे अपने मीटिंग का सीक्रेट बता देना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? मैं डॉक्टर जो हूँ। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, उसे सब बता देना चाहिए। हाँ ये बराबर है, डॉक्टर को सब कुछ बता देना चाहिए, कुछ सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। वेरी गुड, तो बताओ बताओ। पर फिलहाल तुम मेरे पति हो ना, तो मैं अपने पति से सीक्रेट छुपा रही। ठीक है, तो मैं अभी ना स्टेथोस्कोप पहन के आता हूँ, फिर बताओ। हंस मुझे प्लीज जाने दो, मुझे देर हो रही है, और हाँ मुझे आने में भी देर हो जाएगी। ओके बाय। नहीं, तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं तब तक तुम नहीं जा सकती। क्या बचपना है, बच्चों जैसी हरकत तो तुम कर रही हो, जो मुझे अपना सीक्रेट नहीं बता रही हो। ओके बाबा, तुम जीते मैं हारी, बस बताती। हाँ बताओ। एक काम करो, मैंने फ्रिज में ठंडे मीठे पान रखे हैं, वो लेकर आओ, खाते खाते तुम्हें सीक्रेट बता दूंगी। ठंडे मीठे पान? यस। अब भी लाया। बाय हंस। कोमल कोमल कोमल, ये तो चीटिंग है। इतना पूछने पर भी नहीं बताया, मतलब डेफिनेटली कोई बड़ा सीक्रेट है। अभिदा, तुम्हारा ये सीक्रेट मीटिंग सीक्रेट नहीं रहने वाला है, किसी ना किसी ने तो अपने पति को बता ही दिया होगा, हमको थोड़ा जब पड़ता मालूम पड़ जाएगा। Really? Very funny, huh? I'm pretty sure किसी ने भी ये बात किसी को भी नहीं बताई होगी। कौन सी बात? Oh really? अय्यर, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं बताने वाली थी। बताओ ना। नहीं अय्यर। Please? No. Please? अय्यर तुम इतनी बार क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता है मैं नहीं बताने वाली हूँ। अभी क्या ना, वो बार बार ट्राई करने से सक्सेस मिलता है ना, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा वेरी नाइस, कीप ट्राइंग, मैं जा रही हूँ, मीटिंग शुरू हो गई होगी, सब आ गए होंगे। बाय। बबीता, बबीता। कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए इन लोगों ने सीक्रेट मीटिंग रखा है। बबीता जी, जीठा जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों, काम पूछ ले? वो अंजलि भाभी के घर में। आता चलो, मैं भी, मैं तो सबको बुला नहीं जा रहा था, चलो साथ में चलते हैं। क्यों, आपको अब्दुल भाई के वहाँ पे सोडा पीने नहीं जाना है? अभी आप मिल गए तो सोडा पीना कैंसिल। अरे जेठल, यही मिल गए, चलो चलते हैं। चलो क्या, आप अंदर वापस चलो, मैं और बबीता जी आपके घर आ रहे हैं। चलो जेठल, बबीता जी तो घर में जा सकते हैं मेरे, लेकिन तुम और मैं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जेठा जी, अंजलि भाभी ने लेडीज क्लब की स्पेशल मीटिंग बुलाई है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मीटिंग बड़ी सीक्रेट मीटिंग है, इन लोगों ने आइसक्रीम पार्टी भी रखी है। हाँ तो ये सीक्रेट मीटिंग है किस बात की? ठलाल, सीक्रेट का मतलब ही गुप्त होता है, इसीलिए मुझे भी नहीं पता। अरे इतना क्या डरते हैं अंजलि भाभी से, पूछना चाहिए ना आपको। तुम्हें क्या लगता है मैंने अंजलि से पूछा नहीं होगा? तो क्या नहीं बताया अंजलि भाभी ने? नहीं, कोई बात नहीं, बबीता जी बता देंगे। बताइए बबीता जी। नहीं जेठा जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि हम सब ने ये तय किया है कि सीक्रेट मीटिंग के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे भी नहीं? सॉरी जेठा जी, आपको भी नहीं। कोई फायदा नहीं है जेठालाल, मैं भी लाख कोशिश कर चुका अंजलि से पूछने की, नहीं बताया उसने। अरे बबीता, वैसे तो तुम ऐसा जल्दी जल्दी में निकला और अभी तक इधर ही खड़ा है। ओ बबीता जी, मीटिंग के बारे में बता रहे थे। बबीता, तुमने मेरे को मीटिंग के बारे में नहीं बताया, जेठालाल को बता दिया। अभी इसमें बबीता जी का क्या दोष है यार भाई, आपने ठीक से पूछा नहीं होगा ना। बबीता, व्हाट इज दिस? यार जेठालाल, तुम इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा के रहोगे। यार बबीता जी ने सिर्फ ये बोला है कि मीटिंग है, मीटिंग में क्या होने वाला ये नहीं बताया। हाँ यार भाई, बबीता जी ने सिर्फ मीटिंग के बारे में बताया कि कोई सीक्रेट मीटिंग होने वाली है, लेकिन किस लिए मीटिंग है वो नहीं बताया। और मैं बताऊंगी भी नहीं। वेरी गुड बबीता जी, आप भले लाख छुपाए लेकिन देखना हमको पता चल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ देखते हैं। चलिए तो फिर मैं निकलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय, सी यू। क्या जय डलाल, तुम भी मेरे को बोलता की बबीता मीटिंग के बारे में बता रहा है, लेकिन बबीता ने तो कुछ बताया ही नहीं। अभी आप चलती गाड़ी में चढ़ गए तो मैं क्या करूँ। ओके हो गया जेड़ा ब्रा, ओ चलती गाड़ी में कौन चढ़ गया? किसी को चोट वोट तो नहीं आई ना? अरे सोड़ी डॉक्टर, हाथी कोई गाड़ी नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी, ये तो मुहावरे का प्रयोग हो रहा था, चलती गाड़ी में चढ़ जाना। ओ तो ठीक है। क्या बात है भाई, आप सब लोग यही है, सोडा पीने नहीं जाना? नहीं नहीं जाना है ना, चलो भाई चलो। एक मिनट, अभी तक आत्माराम नहीं आया है, उसको भी बुला लेते।
और पिनू तो आज नहीं आएगा। क्यों? वो किसी काम से नासिक गया। अच्छा अच्छा, किसी को मालूम पड़ा लेडीज का मीटिंग किस बारे में? और रोशन डार्लिंग ने मेनू नहीं दसिया, और इसका मतलब बहुत वड्डी गल है। मैं भी जब कोमल को पूछ रहा था ना, तो वो मुझे चकमा देकर भाग गई। अरे बबीता जी ने अय्यर भाई को भी नहीं बताया। और अंजलि जो रोज टोकती है कि भाई लेट मत करना, आज का खूब टाइम लगा के आना, सोडा पी के आना आराम से। ये लोग हमसे इतना छिपा रहे ना, मतलब जरूर कुछ पक रहा है। और छड्डो यार, और लेडीज को अपनी मीटिंग करने दो, और हम सारे जेंट्स मिलके अब्दुल शॉप पे जाके सोडा पीते हुए अपनी मीटिंग करते हैं।